छतरपुर शहर के तमरियाई मोहाल के लोगों ने अवैध कब्जा हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने यहां नदी साफ मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति से अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग की और राज्य के प्रमुख सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देते हुए एडीएम प्रताप सिंह चौहान ने कहा है कि मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं समाज सेवी प्रभात अग्रवाल ने कहा है कि लंबे समय से यहाँ पर नंदी सराफ मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं और अतिक्रमण पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे वार्डवासियों में आक्रोश है। और उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्था और आस्था के प्रतीक नंदी सराफ मंदिर से अवैध कब्जा करने वालों को जल्द हटाया जाए। नंदी सराफ देवालय ट्रस्ट है जो तमरियाई मोहल्ले में स्थित है, बहुत पुराना मंदिर है। उसके संबंध में पूरे बाड़वासी और जो पुराने ट्रस्ट के जो उनके परिजन लोगों ने पिछली बार भी ज्ञापन दिया था, दोबारा ज्ञापन दिया है कि वहाँ पर मंदिर का रखरखाव पूजन और वहाँ पे जो अतिक्रमण है जो लोग किए हुए हैं भविष्य में, जो किराया भी नहीं देते हैं ना वहाँ पे अतिक्रमण किए हैं। के माध्यम से जो समस्या प्राप्त हुई है ज्ञापन में जो चीज़ें आई हैं